तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अगर आप 15,000 के बजट के अंदर एक गेमिंग फोन या कैमरा फोन खरीदने की सोच रहे हो तो यही सही मौका है फ्लिपकार्ट में आपको स्मार्टफोन खरीदने की, क्योंकि जितने भी स्मार्टफोन 25,000 के अंदर आती है उनमें से कुछ स्मार्टफोन आपको 15,000 की बजट के अंदर मिल रही है। सो अगर आप एक गेमिंग करना चाहते हो या कैमरा फोन चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना। मैं आप लोगों को टॉप फॉर बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन एंड कैमरा स्मार्टफोन भी दिखाने वाला हूँ इस वीडियो पे। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस, मैं आप लोगों की ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो चलो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो गाइस, बात करेंगे स्मार्टफोन्स के बारे में। पहले नंबर पर जो स्मार्टफोन आती है, इस स्मार्टफोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। ये भी काफी अच्छा स्मार्टफोन है, 5G स्मार्टफोन है। एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, डिस्प्ले में आपको 6.6 इंच की फुल एचडी प्लस TFT डिस्प्ले मिलती है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। एंड सबसे मेन चीज है कि गाइस, स्मार्टफोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 750G का चिपसेट है जो 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्रोसेसर है। काफी अच्छा प्रोसेसर है, गेमिंग के अंदर भी काफी अच्छा आपको परफॉर्मेंस निकाल के देगा। सो रैम एंड स्टोरेज में आपको 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ आती है, जिसका टाइप आपको LPDDR4X रैम टाइप है। UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप देखने के लिए मिल जाती है। परफॉर्मेंस में भी अंतु स्कोर में 2,97,000 आपको प्लस स्कोर निकाल के आती है। आप एवरेज मान सकते हो 3,00,000 प्लस आपको निकाल के देगा ये फोन स्कोर अंतु स्कोर में। एंड बैटरी के अंदर भी 5000 mAh का बैटरी बैकअप है जो 25 वाट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बड़ी बैटरी है एंड काफी अच्छा आपको बैकअप देखने के लिए मिल जाती है स्मार्टफोन के अंदर। कैमरा में भी आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आती है, जिसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। फ्रंट कैमरा के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाती है। इस स्मार्टफोन का जो बेस वेरियंट है ना गाइस, 4GB 120GB स्टोरेज वाला, वो आप लोगों को 13,999 में मिलती है। अगर आप कुछ फ्लिपकार्ट की ऑफर अप्लाई करोगे ना, ये फोन आपको 12,000 में आराम से मिल जाएगा। सो अगर आप इन स्मार्टफोन पे इंटरेस्टेड हो तो इसको भी आप खरीद सकते हो। तो बात करेंगे नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में। सो गाइस, इस फोन का नाम है Vivo T15G। ये भी काफी अच्छा स्मार्टफोन है अंडर 15,000 बजट में। सो स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, डिस्प्ले के अंदर आपको 6.58 इंच की फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलती है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। 240 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट है, 460 निट्स ब्राइटनेस लेवल भी है। सो स्पेसिफिकेशन के अंदर भी आपको काफी अच्छा स्पेसिफिकेशन है डिस्प्ले में। प्रोसेसर में भी आपको स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट है जो 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्रोसेसर है एंड 5G प्रोसेसर भी है। सो रैम एंड स्टोरेज में आपको 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है, जिसका टाइप आपको LPDDR4X रैम टाइप है। UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप देखने के लिए मिल जाती है। एंड परफॉर्मेंस के अंदर भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, अंतु स्कोर में आपको 4,00,000 प्लस आपको स्कोर निकल के आई है, मतलब काफी अच्छा स्कोर है अंडर 15,000 में। बैटरी में भी 5000 mAh का बड़ी बैटरी है, 18 वाट स्लो चार्जिंग को सपोर्ट करती है। सो चार्जिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, 2 घंटा लगती है इस फोन को फुल चार्ज होने में। सो बड़ी बैटरी है एंड काफी अच्छा आपको बैकअप देखने के लिए मिल जाती है। कैमरा में भी ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आती है, जिसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो भी मिल जाती है। सो फ्रंट कैमरा के अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी है। सो ओवरऑल बताओ तो काफी अच्छा स्पेसिफिकेशन इस स्मार्टफोन के अंदर। तो फाइनली बात करेंगे प्राइस के बारे में। इस स्मार्टफोन की जो बेस वेरिएंट है ना, 4GB 128GB स्टोरेज वाला, वो आप लोगों को 15,000 के अंदर ही मिल जाती है। मतलब आप अगर आप कुछ ऑफर अप्लाई करोगे, आपको ये फोन 15,000 के अंदर ही मिल जाएगा। सो इस स्मार्टफोन को भी आप खरीद सकते हो, आपकी पसंद है। सो बात करेंगे नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में। ये जो स्मार्टफोन है ना गाइस, ये स्पेशली 25,000 के स्मार्टफोन है, जो आपको इसकी बेस वेरिएंट आपको 15,000 में मिल रही है। तो इस स्मार्टफोन का नाम है पोको X4 Pro 5G। ये स्मार्टफोन काफी अच्छा स्मार्टफोन है स्पेशली गेमिंग के लिए। सो बात करेंगे स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में। डिस्प्ले के अंदर आपको 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। 360 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट, गोरिल्ला ग्लास V5 की प्रोटेक्शन के साथ आती है। 1200 निट्स ब्राइटनेस लेवल है। 86% की आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने के लिए मिल जाती है। डिस्प्ले में काफी अच्छा डिस्प्ले, सुपर एमोलेड का आपको एडवांटेज मिल जाती है बैटरी बैकअप में। सो काफी अच्छा डिस्प्ले स्मार्टफोन की। प्रोसेसर के अंदर भी स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट है जो 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्रोसेसर है। गेमिंग के अंदर भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। रैम एंड स्टोरेज में 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ आती है, जिसका टाइप आपको UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप। रैम टाइप में आपको LPDDR4X रैम टाइप देखने के लिए मिलती है। सो बैटरी में भी 5000 mAh का बैटरी बैकअप है जो 67 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। मतलब बड़ी बैटरी है, फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है एंड ये फोन आपको 15,000 में मिल रही है। सो अगर आपको ऐसे स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है अंडर 15,000 बजट में। परफॉर्मेंस में अंतु स्कोर में 3,93,000 प्लस आपको स्कोर निकल के आई है, मतलब गाइस आपको 15,000 में काफी अच्छा स्कोर है। सो
आपको गेमिंग परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, काफ़ी अच्छा आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। कैमरा में भी ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। फ्रंट कैमरा के अंदर भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने के लिए मिल जाती है। सो ओवरऑल बताओ तो परफॉर्मेंस प्लस कैमरा दोनों टॉप नॉच है, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। एंड फाइनली बात करेंगे प्राइस के बारे में, इस स्मार्टफोन की बेस वेरिएंट है ना गाइस 6GB 128GB स्टोरेज वाला, वो आप लोगों को 14,250 रुपीज़ में मिलती है, मतलब 15,000 के अंदर ही मिल जाएगा। अगर आप कुछ फ्लिपकार्ट की ऑफर अप्लाई करोगे आपको ये फोन डेफिनेटली 15,000 के अंदर ही मिल जाती है। सो गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो, ये स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है अंडर 15,000 रुपीज़ में अभी के हिसाब से फिलहाल। सो बात करेंगे नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में। सो गाइस, अगर आप एक कैमरा फोन चाहते हो या मूवीज वेब सीरीज ज्यादा देखते हो तो ये स्मार्टफोन आपको बेस्ट रहने वाली है। इस स्मार्टफोन का नाम है मोटो G72 5G। सो बात करेंगे स्पेसिफिकेशन के बारे में, डिस्प्ले के अंदर आपको 6.55 इंच की फुल एचडी प्लस पीओले डिस्प्ले मिलती है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट भी करती है। एचडीआर 10 प्लस का भी सपोर्ट है, 1300 इस ब्राइटनेस लेवल भी है। सो 86% की आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने के लिए मिल जाती है। एंड सबसे मेन चीज है कि मीडियाटेक हीलियो G99 चिपसेट है जो 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्रोसेसर है। लेकिन एक दिक्कत की बात यह है कि ये 5G फोन नहीं है गाइस, 4G फोन है। सो आपको एक अच्छा डिस्प्ले मिलती है जिसके अंदर आप मूवीज वेब सीरीज काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस कर पाओगे, लेकिन ये 5G फोन नहीं है, 4G फोन है। सो रैम एंड स्टोरेज में भी 6GB 128GB स्टोरेज के साथ आती है जिसका टाइप आपको LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 2.1 की स्टोरेज टाइप देखने के लिए मिलती है। एंड खास चीज़ है कि इस फोन के अंदर आप मेमोरी भी एक्सपांड कर सकते हो अप टू 1TB तक। सो मेमोरी एक्सपांड करने का ऑप्शन भी है। बैटरी के अंदर भी 5000mAh का बैटरी बैकअप है जो 33W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बड़ी बैटरी है, आपको काफ़ी अच्छा बैकअप देखने के लिए मिल जाती है। सो परफॉर्मेंस में भी आपको अंत स्कोर में 3,56,000 प्लस आपको स्कोर निकल के आई है, मतलब 15,000 के बजट के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर है, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, एवरेज में बोलूंगा लेकिन काफ़ी अच्छा है। सो कैमरा में भी ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसके अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आती है, मतलब 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलती है अंडर 15,000 रुपीज़ में। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी है। एंड फ्रंट कैमरे के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने के लिए मिल जाती है। सो कैमरा में भी काफ़ी अच्छा कैमरा है स्मार्टफोन की। सो फाइनली बात करेंगे स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में, इस फोन का 6GB 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट है, इसका प्राइस आपको 13,999 में मिल जाती है। सो अगर आप कुछ ऑफर अप्लाई करोगे ये फोन आपको काफ़ी अच्छा प्राइस में देखने के लिए मिल जाती है अंडर 15,000 रुपीज़ में। तो ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है मल्टीमीडिया एंड कैमरा में भी। सो अगर आप इन चारों फोन में से कोई भी स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, कोई भी स्मार्टफोन आप खरीद सकते हो। सो इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बेस्ट स्मार्टफोन दिखा चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।